जेड़ा ना कदे टिकदा नहीं, मशीन वांगू चलदा ही रहिंदा है, जिवें कोई टिकाणा नहीं। इसनू टिकाउण दा इको एक तरीका है, कहिंदे ने जेड़ा तुहानू प्यारा लगदा है ना, मूल मंत्र, गुरु मंत्र, वाहिगुरु मंत्र, गुरु दा कोई भी शब्द, उहदा जाप शुरू कर। सब तो सौखा तरीका कदों होंदा जाप करन दा, जदों असी ड्राइव करिए, कल्ले होइए, ऑफिस विच बैठ के कोई कारोबार करिए, अमृत वेले उठ के सब तो पहला उहदा जाप शुरू करके इशनान करदिआं करदिआं नितनेम करिए, बाणी पढ़िए। कहिंदे ने जिहड़े फिर मन नूं आले दुआले दे रोग लगे होए ना, दौड़ जाणगे, नस वंजो किल विखो करता कर आ। एवें ही बिना गल्लां तो ये मन कदे कुछ सोचता है, कदे किसे दा बुरा किसे दा भला। सतगुरु कह रहे ने इस सोचां दी विचारां दी गुत्थी नूं ही मन दा रूप दिता गया है। मन कोई चीज़ नहीं, सोचां विचारां विच डूबा होया एक मन है, इस गुत्थी नूं ही सतगुरु मन कह रहे ने। कहिंदे ने जदों जाप कोई शुरू करे ना तो फिर ये टिकना शुरू हो जाता, ये फिर चंगे गुण प्रवेश करने शुरू हो जाते, उस मालक दे गुण आने शुरू हो जाते। आओ जपिए फिर समाप्ति करांगे। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। एक बारी असी एक बारी तुसी सारे, पर कोई रसना खाली नहीं, एक बारी असी एक बारी तुसी समाप्ति। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाह जी वाह। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, राम गुसैया जी के जीवना, राम सारो मैं जाऊं तेरा, मैं जन तेरा। महाराज सब दियां हाजरियां प्रवान करन, अपने घरों सब नूं नितनेम दियां दातां, सहनशीलता, निम्रता, प्यार, मोहब्बत, आपसी तालमेल, समा ही है साडे कोल, जोड़न दा कम करांगे। ते फिर रब्बियां रब्बी करदियां रब्बी बख्शिशां दे पात्र होवांगे। फुल चुक दिखीवां अगला प्रोग्राम बड़े प्यार नाल वीर अरुणपाल सिंह जी उन्हां तों सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी विच बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन सत्कारयोग पंत महान कीर्तनीए भाई साहब भाई ओंकार सिंह अते उन्हां दा रागी जत्था जिन्हां ने सानू अलाही बाणी दा कीर्तन सरवण करवाया, बहुत बहुत धन्नवाद है भाई साहब जी, आप जी दा ते आप जी दे जत्थे दा। हुण सानू सिख इतिहास ढाडी वाला राही सरवण करवाणगी साडे अपने गुरु घर दे ढाडी जत्था बीबी चंचलदीप कौर
ते थे उन्होंने साथी इन्हों का समा रहेगा ठीक 2 बजे तई। स्टेज की सेवा करते हुए दास वालों जो कोई गलत शब्दावली कह गई हो छोटा वीर समझ के माफ़ कर देना। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। Thank you.
खोपरी ते रंबी चलवाई असने और नाल दे ही विचराई असने आरे नाल दे ही विचराई असने सिद्धगत तकड़ी च रहे तोल दे सिद्धगत तकड़ी च रहे तोल दे एवे नहीं ओ केसरी निशान चल दे एवे नहीं ओ केसरी निशान चल दे बंद बंद कटे तन चरवाए सी सिखी नवाई केसा सवासा संग खालसा उठ जाग सिखी नू संभाल खालसा खालसे दी शान देगा विच कड़ना तुंबा तुंबा होके वैरी नाल लड़ना दुखी मजलूमा दिए टाल खालसा उठ जाग सिखी नू संभाल खालसा।
सानू मिलियां नी एवें सरदारियां बाजी लगी सिर तड़के गरीब निवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोदा निगमान रहे गुरु रूप सा संगत जीओ साड़ी ते तुहाड़ी रसना तो वाहिगुरु दा सिमरन हो जावे जो गुरु नानक दे दर दा असूल है उस असूल दे पहरेदार बनिए गुरफते दी सांझ पाईए जी गज के आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। मेरे गुरु नानक पातशाह जी की कृपा दा सदका मनुख कदे नहीं चाह के भी कोई चंगा काम कर सकता गुरु की रहमत होवे ते कर सकता। तुसी गुरु संगत दे रूप दे विच सजे बैठे हो एक गुरु की कृपा है। असी स्टेज ते खड़े हुए हैं ये मेरे गुरु ने साडे ते तरस किया है साडे ते रहमत की असी तद तुहाडे सन्मुख खड़े हुए हैं। जे मेरे गुरु की रजा ना होवे ना असी एक शब्द बोल सकते हो ते ना ही तुसी संगत का लाहा ले सकते हो। ये मेरे गुरु की कृपा है गुरु नानक दे दर की कृपा है। तो गुरु का यह असूल है गुरु कहिंदा है नीमा ते नितणा हो जा। जो सब कुछ होंदिया होया भी तू नीमा ते नितणा हो जाएगा फिर गुरु तेनों अपने दरों खाली नहीं मुन देवेगा। नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच नानक तिन कै संग साथ वड्डियां सियोक्या रीस जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। उत्थे नदर हुंदी है गुरु दी जदों सिख नीमा होके गुरु दे अगे चुक जांदा है सच्चे पातशाह मेरी सियाणप कुछ नहीं सहस सियाणप लख होए ता एक न चले नाल। मेरे दाता अपनी कृपा कर दे शहनशाह मैनु जुगती दस दे किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुट पाल। ए मेरे कूड़ दी कंध जिहड़ी है इस कूड़ दी कंध नू तू ही तोड़ सकदा है। आओ उन्हां दी गल करिए जिन्हां ने गुरु नू पा लिया गुरु नू पा के गुरु जोगे हो गए फिर वो दुनिया दे विच सतकारे गए। उन्हां दा जस करके जिन्हां को समाए इतिहास कौमां दी जिंद जान होया करदे ने जिहड़ियां कौमां इतिहास नू सुनदियां ने इतिहास नू पढ़दियां ने इतिहास की जानकारी रखदियां ने वह कौमां हमेशा इस दुनिया दे विच सिर उच्चा करके जीउंदियां ने अणख दे नाल जीउंदियां ने वह कौमां हमेशा जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नू भुल जांदियां ने उन्हां कौमां दा निशान फिर बड़ी जल्दी इस दुनिया दे विचों मिट जाया करदा है। मैं उस इतिहास की वनगी नू आप जी दे सन्मुख करना है जिस खूनी साके नू असी इस हफ्ते मनाया है मंगलवार नू असी ओ दिन मनाया है जिस नू असी ननकाणा साहिब दे साके दे नाल याद करते हाँ। जिन्ना को समा मेरे कोल है मैं उस समय मुताबक तुहाडी जिहड़ी तमन्ना है तुहाडी आस ते खरी उतर सकां। मेरे सतगुर पातशाह जी दे चरणां दे विच अरदास है गुरु की संगत रब दा रूप होया करदी है गुरु की संगत दी असीस जिहड़ी है वह हमेशा बुलारियां दा हौसला बनाउंदी है। असीस देना गुरु दी सेवा करदे रहिए। गुरु सवारियो सिख कौम इहो जिही कौम है जिस कौम नूं बड़ियां मारां पईआं इस सिख कौम दे नाल बड़े खूनी साके वापरे। असी हुणे हुणे वड्डा घल्लूघारा मनाया एक दिन दे विच 35,000 दे करीब कौम दा नुकसान हो जाना ते 3 महीने बाद लखी जंगल दे विच फिर खालसा इकत्तर हुंदा है। विचारां इह हुंदियां ने कि जिस गुरधाम नूं नुकसान पहुँचाया अबदाली ने उसकी फिर उसारी करनी भावें साढ़े सिर लग जाण। ते फिर उस साल अक्तूबर के महीने विच दिवाली मना लेनी एक खालसे की बड़ी वड्डी जित है। मेरे कहण तो भाव त
धन गुरु नानक पातशाह जी ने जड़ी नींह रखी सिखी दी वो इन्नी मजबूत रखी रहिंदी दुनिया तक उसनू कोई ढा नहीं सकेगा। मेरे कलगीधर पातशाह जी ने एहो जिहा सुचेत ते सावधान खालसा सुरजीत कर दिता जिस खालसे नू अज तक दुनिया दे विच कोई हरा नहीं सकिया। दूजे पासे पापी दी करतूत यह होया करती है कि किसी कौम नू बदती वेखदियां पता लाउणा उस दी नब्ज ते हथ रख के कि इस नू ताकत कित्थों मिलती है, ये कौम बदती फुलदी कित्थों है, इस कौम दा सहारा की है, ते फिर उस सहारे नू उस ताकत नू खत्म करन दे लई बड़े वसीले किते जाने, बड़े अपराले किते जाते ने, बड़ा कुछ किया जाता फिर समय दियां सरकारां दे वलों। मुगल हकूमत की गल करा, औरंगजेब ने कश्मीर की धरती ते यूनीवर्सिटी है मारतंड, उस यूनीवर्सिटी नू खत्म कर दिता। अज भी उसके खंडर असी देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि औरंगजेब का ख्याल सी इत्थों विद्वान पैदा होंदे ने, ये विद्वान पैदा ही ना होण इसनू खत्म कर दिता जावे। जदों सिख कौम दी चढ़ाई वल वेखदे हां, मौके दियां हकूमतां ने साडी बाणी ते अज भी विरोधी बाणी ते अटैक कर रहे ने, वेले दियां हकूमतां ने साडे गुरधामां ते अटैक कीते, इत्थों ये ताकत ना लै सकण, इन्हां दी आजादी नू गुलामी दे विच बदलिया जावे, इन्हां दी ताकत नू खत्म करके। मैं अंग्रेज दी गल करां, अंग्रेज ने पूरे 200 साल भारत वर्ष ते राज कीता ते 98 साल पंजाब दी धरती ते उसने राज कीता। जदों उसने पंजाब दी धरती ते जोधियां नू वेखिया, वीर बहादुरां नू वेखिया, ते वो हैरान रह गया, इसनू ताकत मिलती है गुरु नानक दे दर तो, इसनू गुरधामां तो ताकत मिलती है, फिर उन साडी नाविच दे हाथ रखे समय समय ते की कीता। 22 मार्च 1849 ईस्वी नू साडे केसरी निशान नू लाया गया ते साडे केसरी निशान नू पाड़िया गया। गुरु सवारियो, केसरी निशान नू जिस वेले पाड़िया गया, मेरे कौम दे जरनैल उठ खले होए, इस पापी नू पंजाब दी धरती तो हिंदुस्तान दी धरती तो कढ़ना बहुत जरूरी है। इसने फिर दूजी करतूत अंग्रेज ने की कीती, 1919 दे विच गुरद्वारा साहिब जिथे मेरे गुरु ने अपना सीस दिता, जिस दे सामने तीन सिखां दी शहादत होई, उस गुरद्वारा सीस गंज साहिब दी कंध उठाया गया, आखिया गया इत्थे पार्क बनाउणी है, ते खालसा जी तुसी उत्थे मोर्चा लाया, अंग्रेज मन्ने ना, अंग्रेज ने आखिया ये नहीं हो सकता, ये कंध हुण बन नहीं सकती। महाराजा नाभा ने आखिया, ऐ अंग्रेज ध्यान दे नाल सुन ले, ये साडे गुरधाम दी कंध जिवें तू ढाई है तेनू उस तरह उसारनी पवेगी, नहीं ती तेरी कंध तेरिया सारिया कंधा असी नाबो नमूद कर देंगे, असी तहस नहस कर देंगे, तेरिया नीयां नू असी खत्म कर देंगे। झुकना पिया सी अंग्रेज नू खालसे दे अगे, सिख कौम दे अगे, ते ओ कंध उसारनी पई सी, ये साडी पहली जित सी। ते फिर उन्हें साडी ताकत नू खत्म करन दे लई ओ कमीने लोग, ओ महंत जमात नू साडे गुरधामां ते बिठा दिता। अमृतसर साहब जी की पावन धरती ते भी महंत बिठाए गए, तरन तारण साहब जी की पावन धरती ते भी महंत बिठाए गए। जिहड़ा इतिहास मैं आप जी दे नाल संखेप रूप दे विच साझा करना, ननकाणा साहब की धरती ते भी महंत नारायण नू बिठाया गया।
मैं खालसे दी दूजी जित दी गल करा, उस वेले साडे जथेदार सरदार तेजा सिंह जी पुचर, सरदार करतार सिंह जी चब्बर ने जेड़ा अंग्रेज हुकूमत दा वाइस राय है, वो की करता है, वो दिवाली नूं ड्योड़ी दे उपर सोफे ते बैठ के वेखदा है। खालसे ने जदों ये वेख्या, ये अंग्रेज जिस गुरधाम ते आके असी सीस चुकांदे हां ते ये धन गुरु रामदास पातशाह जी दे दरबार दे विच आके सोफे ते बैठता है, अज गुरु सवारियो जिहड़ा साडा मर्जी लीडर सोफे ते बैठ जावे, जिथे मर्जी जाके सानू कोई लगदी नहीं, पर उस वेले दे साडे जथेदार बा कमाल दे ने वाइसराए जदों वेखिया सोफे ते बैठिया, खून खोलिया जथेदार दा, सरदार तेजा सिंह जी पुचर हाथ विच किरपान लैके गए ने उस दे कोल, पिछे दी जाके लत मार के सोफे नूं सुट दिता, ते वाइसराए भी भुड़क के खिलरदा फिरे, उस दी मेम भी ते उस दा परिवार भी। ये साडी दूजी जित सी जदों वाइसराए नूं साडे जथेदार ने लत मार के सोफे तों सुट दिता सी। फिर कब्जा जिहड़ा है ओ मेरे कौम दे जथेदारां दे कोल आ गया। फिर सलाह कीती गई कि तरन तरन साहब दा कब्जा भी लिया जावे। जदों तरन साहब दा कब्जा लैण गए, सरदार हजारा सिंह जी ते सरदार हाकम सिंह दी शहादत नूं असी कदे भी भुल नहीं सकदे। सरदार हाकम सिंह ते सरदार हजारा सिंह जी दी शहादत हो गई, होर भी सुरमियां दीआं शहादतां होईआं, ते तरन तरन साहब जी दी पावन धरती दा कब्जा, तरन तरन साहब जी दी पावन धरती दा प्रबंध जिहड़ा है सानू मिलिआ है। इह कब्जा क्यों लैणा पिआ, खालसे ने इह कदम क्यों चुकिआ? एक शायर कहिंदा है, एक सिक्खी नाल प्रीत करन वाला जिहड़ा साडा लेखक कहिंदा है, सिख करदा नहीं पहला कदे वार नूं, पिछों फिर नहीं उह रखदा आधार नूं। इह दसणा पवेगा किहड़ियां कालियां करतूतां इन्हां महंतां ने कीतियां, इन्हां अंग्रेजां ने कीतियां, जिस कारण सानूं इह किरपानां दे नाल सुधणे पए, सानू ये सोफियां तो सुटने पए, सानू इन्हां नूं कीती दा फल भुगतौणा पिया। इस कलयुग दे जमाने दे विच इन्हां महंतां ने किहड़ियां माड़ियां करतूतां कीतियां, उन्हां लाइनां नूं बयान करदी होई कविता ढड्ड जथा कहण लगा है, आओ सुनना जी ये किहड़ियां करतूतां कर रहे ने, साडे गुरधामां दी नरादरी किवें कर रहे ने, किवें साडियां तीआं भैणां दे वल अख मैली कर रहे ने। इस सारे दृश्य नूं दर्शाउंदी होई कविता ढड्डी जथा आप जी दे सामने करन लगा है। ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
पापी पाप गुरु करा च कमांदे ने पापी पाप गुरु करा च कमांदे ने जदों महंत बेईमानियां करन लग पए मन आईयां करन लग पए खालसा फिर सिद्धा होया। खालसे ने फिर महंत नूं वार्निंग दित्ती तैनू अपना आप सुधारना पवेगा। तरन तारण साहब का प्रबंध लैण तों बाद खालसे ने अपना रुख ननकाणा साहब की पावन धरती दे वल कीता।
महंत नूं सुनेहा दिता गया। महंत ने उपरो उपरो सुलह की गल की, बिचो खालसे नूं मारन दीआं तैयारियां शुरू हो गई। इस नरेणू का कारखाना है, कारखाने दे विच 5 मार्च 1920 नूं जिहड़ी तरीक मिथी गई सी उस तरीक तो पहला तैयारियां शुरू हुई, हथियार बनने शुरू हो गए। सरदार उत्तम सिंह जी उस कारखाने दे विच कम करते ने, गुरु प्यारे ने, ते सरदार वरियाम सिंह जी भी कारीगर ने। जो एक कारीगर दूजे कारीगर कोल जांदा है, कुछ बनता वेखदा तो वह पुछदा है ये किस लिए तैयार हो रहा है। सरदार वरियाम सिंह जी पुछदे ने ये तैयार हथियार हो रहे ने किस गल लई, ते सरदार उत्तम सिंह जी दसदे ने ये महंत नरैणू खालसे नूं मारन दीआं तैयारियां कर रहा है। जदों ये गल सुनी सरदार वरियाम सिंह जी हुणा खालसे नूं सुनेहा भेजिया। सरदार तेजा सिंह जी, सरदार करतार सिंह जी चब्बर हुणी आखिया इस ते गुरमता कीता जावेगा, खालसे दे नाल विरोध बनाई जावेगी। जदों खालसे ने एक गल आखी, मेरी कौम दे ओ मर जीवड़े जिहड़े अडीक नहीं कर सकते, पापी नूं होर समा दिता जावे। सरदार दलीप सिंह जी धारोवाली, सरदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली, किन्ना जज्बा सी उन्हां गुरमुख प्यारियां दे विच। उन्हां आखिया जदों ये सलाह करनगे ठीक है, असी हुण अडीक नहीं करांगे। उन्हां 5 मार्च की अडीक ना कीती, पहला ही उस पापी नूं ये दसण वास्ते खालसा अपने गुरधाम नूं किवें बचा सकता है, खालसा अपने गुरधाम का प्रबंध किवें लै सकता है। ये गुर सिर लथां दा जथा ननकाणा साहब जी की पावन धरती ते पहुंचिया है। गुरु सारियों, मेरे समय दे विचों एक मिनट बाकी है, मैं साथियों नूं कहांगी जिन्हें को पैरे ला सकते ने आप जी दे सन्मुख कीते जाण। इस पावन धरती ननकाणा साहब जी दी पावन धरती नूं नतमस्तक होके सरदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली किवें गुरु घर दे विच ये महंत नरैणू जो कुछ कर रहा है उसकी कीती दा फल भगताउण वास्ते गए ने, उस दृश्य नूं साथी इउं कह लैणा। Thank you.
लक्ष्मण सिंह ताबिया बह के लेंदे गुरवाक ने पापिया दे हिरदे मच के हो गए सब राख ने पापिया दे हिरदे मच के हो गए सब राख ने जालम तो लहर गुस्से दी जालम तो लहर गुस्से दी गल ना संभाल होई धरती ननकाना साहब दी लहू नाल लाल होई धरती ननकाना साहब दी ननकाना साहब का प्रबंध भी आ गया सरदार करतार सिंह जी चब्बर हुण आखिया सी असीं हुण चाबियां लैण वास्ते आए हाँ मरन वास्ते नहीं आए अगर ना जमा इत्थे ही समाप्ति बहुत बहुत धन्यवाद गुरु की संगत का सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का कोटान कोटान शुक्र गुरद्वारा साहब जी की मैनेजमेंट का धन्यवाद आओ अरदास विच शामिल होइए जी इत्थे ही ढाडी जत्थे वालों समाप्ति है जी बेअंत भुलना की खिमा बख्शना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।